welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, उस इंसान के साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है, उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये हम देखेंगे। तो आज आपको अपना सन साइन, मून साइन या फिर जोडियक राइजिंग साइन, जो भी आप कहते हो, उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आपके कल्चर में एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं होता है या फिर आपको अपनी कोई भी साइन नहीं पता है, तो आप कलर के थ्रू भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन एरीज, कैंसर, वीगो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या सजिटेरियस, यानी कि मेष, कर्क, कन्या, मकर, कुंभ या धनु है, तो आपको फर्स्ट ग्रुप को चूज करना है। इन केस अगर आपको अपनी राशि या अपना साइन नहीं पता है, तो आप इस नियॉन येलो कलर को चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। और अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन लियो, स्पाइशियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा या जेमिनाई है, यानी कि सिंह, मीन, वृश्चिक, वृषभ, तुला या मिथुन है, तो आपको ग्रुप टू चूज करना है। और इन केस अगर आपको अपनी साइन नहीं पता है, तो आप इस नियॉन पिंक कलर को चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली फॉर ग्रुप नंबर टू, ठीक है। दिस इज ग्रुप नंबर वन या पाइल नंबर वन, दिस इज ग्रुप नंबर टू और पाइल नंबर टू। तो आप अपने साइन या इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है। अगर आपकी साइन, सन, मून या राइजिंग में एरीज, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या सजिटेरियस है, यानी कि मेष, कर्क, कन्या, मकर, कुंभ या धनु में से है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस येलो कार्ड को चूज किया है, तो देख लेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है आप दोनों का साथ में, ओके। सो डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। We have Page of Wands, we have King of Swords, we have Death card, we have Four of Cups card. Okay, so check karte hain. तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी कनेक्शन में प्रेजेंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में अट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत है, पैशन की एंड कंपैशन की, जो कि मिसिंग सा लग रहा होगा आपको या आपके पर्सन को या दोनों को ही, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू नो, आप दोनों की हो सकती है बात होती है या फिर कनेक्शन है, बॉन्ड है, किसी भी रूप में हो, लेकिन सब कुछ बहुत रफ सा है, यू नो, उसमें अट्रैक्शन की कमी है, एक्साइटमेंट नहीं है, कंपैशन की कमी है, बहुत उखड़ा उखड़ा सा फील करते हो कनेक्शन में रह के भी या इस पर्सन के साथ, यू नो, प्रेजेंट एनर्जी में, मतलब रहते हुए भी लगता है नहीं है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो आपका जो कनेक्शन मुझे दिख रहा है, यानी कि जो बॉन्ड दिख रहा है, उसका फ्यूचर में, यानी कि जितने टाइम बीतेंगे गाइज, उतने आप के कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में भी आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट बहुत है कि इस इंसान के पास ये क्वालिटीज़ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में आप ज़रूर सोचते हो कि यार मैंने ऐसा लड़का या लड़की चाहा था, उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं है। सामने वाले पर्सन भी सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा चाहा था, वैसा नहीं है। तो आप दोनों का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पे फोकस डेफिनेटली है इस बॉन्ड को लेकर, कुछ डिफरेंसेस को लेकर। तो आप दोनों की जो खूबसूरती है एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ जो क्लोजनेस है, जो इमोशन है, वो आप दोनों को फील नहीं हो पाती, आप दोनों उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो जो कि डिवाइन की तरफ से है,
ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन ये इसका जो रियलाइजेशन है वो ना तो आपको है ना आपके पर्सन को है, ठीक है। आपको हो सकता है कभी कभार लगता भी होगा कि डिवाइन लव है, बट फिर आप यू नो सिचुएशंस को देखते हुए फ्रस्ट्रेट होकर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ आपका ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है गाइज वो डिवाइनली गाइडेड है। फर्क बस इतना है कि आप दोनों को रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कि आप दोनों को यू नो आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, ठीक है। और आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि जो चेंजेस हो आप दोनों के बीच में या जो डिफरेंसेस हो वो आप दोनों को अफेक्ट ना करे इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जो चेंज जो बदलाव आप दोनों को फील होगी एक दूसरे के तरफ से वो उस चीज़ के लिए आप लोग रेडी नहीं हो, ठीक है। उस चीज़ को आप लोग अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप अपने ढंग से आपको पर्सन मिले या वो बदल जाए और वो भी ऐसा सिमिलर वाइब्स में सोचते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए या जो चेंजेस या जो न्यू एक्सपीरियंसेस आप दोनों के लिए ज़रूरी है और वो जो एक्सपीरियंसेस आप दोनों को एक दूसरे की तरफ से मिलेगी वो यहाँ पर अटकी रह जाती है, स्टक रह जाती है, बिकॉज देर इज़ नो इनिशिएशन और एक्सेप्टेंस फ्रॉम द होल हार्ट, ठीक है। बॉन्ड है, कनेक्शन है, बट अंदर से एक विश्वास है, अंदर से एकदम यू नो एक सीरियसनेस पूरी तरीके से कि इसमें हम जान लगा देंगे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, दैट थिंग इज मिसिंग। वो जो जुनून होना चाहिए दैट थिंग इज मिसिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप दोनों के कनेक्शन में जो फ्यूचर, अगर आप दोनों साथ में रहते हो किसी भी रूप में, फ्रेंड, क्रश, लवर, हस्बैंड, वाइफ, किसी भी रूप में, तो फ्यूचर में जितना आगे बढ़ेंगे आप उतना आपको नज़र आएगा कि आप लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। जैसे कोई कोई कनेक्शन में इंसान बहुत साल बाद यू नो रहने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है या पहले जैसा कुछ नहीं रहा, बट आपका उल्टा केस है। आपका मुझे लग रहा है कि जितना टाइम बीतेगा उतना आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, उतने आप दोनों चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओगे, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाओगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा जितना टाइम बीतेगा, कंपैशन बढ़ेगा। लेकिन उस चीज़ में जो पेशेंस रखनी चाहिए या फिर जो यू नो अपने तरफ से एक बिलीफ होना चाहिए कि मुझे इसमें यू नो अपना एफर्ट डाल के ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से आप भी रेडी नहीं हो, ये भी रेडी नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के पर्सनल लेवल पर कुछ पास्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही पूरा एफर्ट देना तो चाहते हो बट आपको डर लगता है और फिर आप उतना नहीं कर पाते हो रिश्ते में जितना हो सकता है आप दोनों को करनी चाहिए मिलकर, बिकॉज दिस कनेक्शन इज नॉट ईजी बट इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। आप फील करोगे, आप देखोगे, आपको नज़र भी आ सकता है कि यू नो आपका बड़े से बड़ा झगड़ा भी हो जाता है या फिर आप हो सकते ठान भी लेते हो मूव ऑन करने का या फिर पर्सन ठान लेते हैं, लेकिन फिर आप दोनों के बीच में सब सही हो जाता है, ठीक है। आप दोनों का बॉन्ड फिर से जो है ताज़ा हो जाता है। तो वो क्यों है? बिकॉज वो डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन नहीं चाहती इतनी आसानी से आप दोनों सेपरेट हो जाओ। डिवाइन आपको कई मौके देगी, कई सर्कमस्टेंसेज में खड़ा करवाएगी जहाँ पर आप दोनों का सेम पेज पर रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसे अगर आप दोनों कर लेते हो तो आप दोनों का ये कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। सो देखिए, डिवाइन आप दोनों के रिश्ते के साथ है, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में ज़रूर है, लेकिन अगर इंसान खुद अपने दिमाग और दिल को बैलेंस में नहीं ला के अगर खुद ढकेल देता है ना जो उसको डिवाइन ने दिए, तो डिवाइन ज़बरदस्ती वो थोप नहीं सकता किसी की ज़िंदगी में, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका कनेक्शन बेहतर होगा पहले से ज़्यादा। फ्यूचर में मुझे बहुत खुशियाँ नज़र आ रही है, लेकिन वो खुशियाँ तभी होगी जब अप्रिसिएशन आएगा म्यूचुअल साइड से। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने रीडिंग देखा, ठीक है, और आपने सोचा कि नहीं मुझे अब अच्छा हो जाना चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो आपके पर्सन की तरफ से भी आनी चाहिए, म्यूचुअल दोनों का ही करना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Angel of Love, number 49. We have Healer of the Ages, number 51. So, देखिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब आप दोनों पूरी तरीके से, आप नॉर्थ पोल हो तो वो साउथ पोल हैं, आप दोनों का रहन सहन, प्रोफेशन, सब कुछ, माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे आप दोनों को, बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स को पार करना डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन टेस्ट लेगी आप दोनों का ही कि वो जो आप दोनों को सच्चा प्यार दे रही है क्या आप उस चीज़ को अपने पास संभाल कर रखने के लिए यू नो डिजर्विंग हो भी या नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लव हो और
जितना समय बीतेगा उतना वो लव आप दोनों एक दूसरे के प्रति महसूस कर पाएंगे, वो प्यार डेवलप होगा, ग्रो करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब जाके इस बॉन्ड में हीलिंग होगी, एक्सेप्टेंस आएगा, अप्रिशिएशन आएगा कि हाँ तुम जैसे हो मुझे पसंद हो, मैं जैसी हूँ तुम्हें पसंद है, तो हम एक दूसरे पर यू नो रॉब नहीं झाड़ेंगे, या हम एक दूसरे को कंट्रोल करने नहीं देंगे, या नहीं सोचेंगे कि मुझे तो ऐसा चाहिए था बट ऐसा मिल गया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और किसी और को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो पेशेंस कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, ट्रू लव आप दोनों का नज़र आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि आप दोनों के दिल में सच्चा प्यार है एक दूसरे के प्रति, जो कि आगे भी रहेगा। सो आप दोनों एक दूसरे से लॉयल्टी कमिटमेंट ज़रूर से ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। बस हाँ कुछ कुछ स्ट्रगल्स बाहर की तरफ से या कुछ डिफरेंसेस की वजह से डेफिनेटली रह सकते हैं, बट उससे अगर आप दोनों यू नो उस चीज़ को अगर हावी होने नहीं देते हो तो इजीली ओवरकम कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग से आपकी यूनिवर्स खुद उन्होंने खुद इस कनेक्शन को गाइडेड रखा है। लेकिन अगर खुद इंसान खुद अगर बदतमीजी करे या कुछ करे तो डिवाइन इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। डिवाइन आपको मौके देती है, आपको उन मौक़ों को अपनाना होता है। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप होप्स खो चुके हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप अपने तरफ से बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हो या बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, सो जस्ट ब्रीथ, ठीक है, एंड हील योर सेल्फ। अपने माइंड से, अपने दिल से सारे दुख एंड इस कनेक्शन से रिलेटेड पेन नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, ठीक है। इतना बस आपको करना है, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि कुछ डेज बाद आपके पर्सन के अंदर भी इंडिविजुअल लेवल पर हीलिंग हो रही है एंड वो डेफिनेटली आपके पास कम बैक करेंगे अगर सेपरेशन वगैरह है तो या कुछ। बट मुझे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन में फ्यूचर है, अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हो सो अभी हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं बट उनकी इंटेंशन है कि यू नो वो आपके साथ इनिशिएट करें, आपको डेट करना स्टार्ट करें, आपके साथ लाइफ में फिर से एक चांस लें अपने लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि इनको ट्रस्ट नहीं है लव लाइफ में लेकिन ये एक चांस लेना चाहते हैं और वो आपके साथ ही लेना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ डेट करते हैं, आपके साथ लव लाइफ में शुरुआत करते हैं तो शायद जो चीज़ें पहले हुई वो शायद रिपीट नहीं होंगी। तो एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर है इन केस इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर अ क्रश और अ फ्रेंड, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं सबके सिचुएशंस यहाँ पर बता रही हूँ। चांस देखेंगे, यहाँ पे है मर्मेड, ठीक है। सो देखिए इस कनेक्शन में इनोसेंसी इम्पॉर्टेंट है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम या बहुत मच्योर एनर्जी का इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है कि इस कनेक्शन की जो इनोसेंस प्योरिटी है ना वो दब गई है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है लेकिन दब गई है। ओके, यहाँ पे है बटरफ्लाई एंड लीव, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि अबंडेंस आपके कनेक्शन में ज़रूर आएगा, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है वो स्ट्रांग है एक दूसरे के साथ, आप दोनों का ज़रूर से ज़रूर रहेगा। कुछ कुछ चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, वेटिंग रखना पड़ेगा एंड धीरे धीरे चीज़ें जो है वो अच्छी साइड के लिए यू नो ट्रांसफॉर्म होगी। और यहाँ पर फिर से मर्मेड यहाँ पर आया है, कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, तो उनके लिए भी इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है एंड ये गुड न्यूज़ भी दिखा रहा है। ओके, सो इन केस इफ अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए या आपके लव लाइफ में ये चेंजेस हो तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे, गाइडेंस वगैरह देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। राधा सोल फ्लेम। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ये गाइडेंस मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ अच्छी चले या आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करे तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बहुत बार आपको ऐसा भी लगा है ना कि आप शायद इनफ नहीं हो या फिर आपके अंदर बहुत कमियाँ हैं जिसके वजह से कि आपका प्यार आपको मिलता नहीं है या कुछ है तो डोंट थिंक लाइक दैट। नो मैटर किसी ने कितना ही टॉन्ट मारा होगा आपको या फिर आपके किसी पर्सन हो सकता है आपको हर्ट किया हो, जस्ट बी योर सेल्फ। आप अपने रियल आइडेंटिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसे इम्ब्रेस करें, चेंज बिल्कुल मत होइए। हाँ, अगर आपके अंदर कोई सच में बैड हैबिट है, नेगेटिविटी है, उसे ज़रूर ठीक करिए, लेकिन इन जनरल जैसे आप इंसान हैं, जैसे आपकी अपीयरेंस है,
जैसा आपका बर्ताव है उस चीज़ को आप डेवलप करने की कोशिश करें रैदर चेंजिंग है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, जितना आप अपने आप को ढूंढ लोगे, जो आप खोए खोए रहते हो या यू नो अधूरा फील करते हो, जब आप खुद में एक परिपूर्णता ढूंढ लेंगे एंड खुद में अबंडेंट महसूस करेंगे, उसी वक्त से आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ स्टेबल एंड सही चल रहा है एंड जितना प्यार आपको मिलना चाहिए उतना आपको नज़र आ रहा है अपने अदर साइड से, ठीक है, यानी कि अपने पर्सन से। तो ये गाइडेंस राधा रानी माँ आपको खुद डायरेक्टली देना चाहती है, ठीक है, कि अगर प्यार पाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को प्यार करो और खुद में परिपूर्णता ढूंढो। ऐसा मत सोचो कि अगर आपके ज़िंदगी में प्यार नहीं है या फिर अगर आप अकेले हो या फिर अगर आपके पर्सन आपके पास नहीं है तो आप अधूरे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप में पूरे तरीके से कंप्लीट हो और इस कंप्लीटनेस को जब आप महसूस करेंगे तभी आपके प्यार के साथ आपकी यूनियन 3D लाइफ में भी हो पाएगी। बिकॉज सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस आप खुद दूर मतलब फुलफिल कर रहे हो तो ये सामने वाले का भी फिर एक ड्यूटी बन जाएगा कि उनको भी ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आप सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस गाइडेंस को ज़रूर ध्यान में रखिए, फ्यूचर आप दोनों का साथ में है, पेशेंस रखिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिविटी है, नो कॉन्टैक्ट है, जस्ट बी पेशेंट, सरेंडर योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी तो आपको इस रिश्ते में वक्त देना पड़ेगा, आपको इस रिश्ते में धैर्य रखना पड़ेगा अगर आप सच में एक अच्छा चेंज चाहते हो या जैसा यू नो मन की तरह चेंजेस चाहते हो, और जो है वैसे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपकी सन मून या राइजिंग साइन लियो पाइशियस स्कॉर्पियो टॉरस लिब्रा जेमिनाई या फिर सिंह मीन वृश्चिक वृषभ तुला या मिथुन है, या फिर आपने इंट्यूटिवली स्पिन कार्ड को चूज किया तो देख लेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है, क्या होगा फ्यूचर में आप दोनों के साथ, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे कॉन्टैक्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी वगैरह आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके, वीडियो में भी शो हो रहा होगा नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं सफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए जिनके साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हो। We have the card, we have 10 of pentacles, we have the hermit, we have 10 of cups. Wow, oh my goodness, wow guys, wow. So देख लेते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर कैसा होने वाला है, भविष्य कैसा होने वाला है। देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दोनों का प्यार जो है वो म्यूचुअल लेवल पर है अभी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है। अगर आपको लगता है कि वन साइडेड है तो यू आर रॉन्ग, नहीं है। आप जितना प्यार करते हो आपके पर्सन भी करते हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सेम एनर्जीज है, लाइक आप दोनों लाइक अगर आप देखिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे को लेकर, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों ज़िंदगी भर साथ गुजारो, ठीक है, एंड आप दोनों सेम पेज पर हो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। नो मैटर सेपरेशन है, नो मैटर क्रश है, या नो मैटर नो कॉन्टैक्ट है, नो मैटर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, बट इस पर्सन के इमोशन आपके इमोशंस एक दूसरे को लेकर एकदम सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई थोड़ा ज़्यादा कोई थोड़ा कम, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है एंड ये चीज़ भी दिख रही है कि आप दोनों के मन में यू नो एक चाहत है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में हमें गिव अप नहीं करना है, या अगर प्रॉब्लम भी होगा तो उसे हमें सॉल्व करना है, बट इस रिश्ते से भागना नहीं है। तो ये फीलिंग ही मुझे अब दोनों की नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो सकता है आप लोग बहुत बहुत टाइम बात नहीं करते हो, झगड़ा करते रहते हो, लेकिन आप दोनों के दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि एकदम सब कुछ तोड़ के ज़िंदगी भर के लिए चले जाएंगे या किसी और को अपना बना लेंगे या मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले दिख रही है। अगर आप मैरिड हो और आपके मैरिड लाइफ में इशू आ रही है, ठीक है, तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि वो इशू किसी इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है, क्योंकि अंदर से आपके पर्सन
आपको ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही घर बसा कर रहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोई फोर्स कर रहा हो या फिर वो मजबूर हो किसी चीज़ को लेकर, जिसलिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, ये उन लोगों के लिए चलो मैरिड है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल एंड यू नो मेंटल एंड फिजिकल कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए होने के चांसेस हैं, बट फ्यूचर में आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। एंड फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेंगी जहाँ पे आप लिटरली प्रैक्टिस करोगे ताकि सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्ट कर पाओ। हो सकता है आप दोनों को मेडिटेशन साथ में करने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि आप लोगों को वर्शिप करने का मौका मिलेगा या किसी तरीके के कोई कोर्स करने का मौका मिलेगा। तो जो भी होगा आप दोनों साथ में करोगे, एंड साथ में करने की वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आप दोनों की बढ़ेगी, इससे यू नो एक अलग ही तरीके का अटूट बंधन में आप दोनों बन जाओगे, जिसके बाद यू नो कोई अगर इन्फ्लुएंस भी होगा, कोई ब्रेन वॉश करने भी आएगा, कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होने आएगा, तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो इंटरफेरेंस कर पाए आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, ठीक है। और आप दोनों के भविष्य में मुझे एक नई शुरुआत, ठीक है, नया अपॉर्चुनिटी दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो नई शुरुआत है, ये किसी भी तरीके का नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो आप दोनों का रीयूनियन हो जाना, अगर आप दोनों कनेक्शन में हो तो आपका एंगेजमेंट एंड शादी हो जाना। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों का शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है भविष्य में, लाइक आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिन पार्टनर या एक दूसरे के फ्यूचर स्पाउस होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, कि आप लोग आगे आने वाले वक्त पर एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो इन द इमीडिएट फ्यूचर, जो बहुत जल्द फ्यूचर जो आ रहा है, जो भविष्य बहुत जल्द आ रहा है, उसमें आप दोनों की एक नई बिगनिंग ज़रूर होगी। हो सकता है कि वो आपको ऑफिशियली प्रपोज कर दे, हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए, हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे अगर अनकन्फेस लव है, तो कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, हो सकता है वो फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले, कुछ भी, एक नया चैप्टर आप दोनों के रिश्ते का, बॉन्ड का, वो शुरू हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, आपकी फैमिली होगी, लविंग फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे आप दोनों का एक दूसरे के साथ फर्टिलिटी बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। फर्टिलिटी एंड हेल्दी अटैचमेंट एंड लॉन्गिंगनेस बहुत नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहने के चांसेस आप दोनों के मैक्सिमम रहेंगे, जहाँ पे आप दोनों यू नो अपने ज़िंदगी के आखिर सांस तक एक दूसरे के साथ बिताओगे। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। एंड ये चीज़ भी दिख रहा है कि अभी अगर अंधेरा है आपके रिश्ते में, तो इन द कमिंग फ्यूचर सवेरा ज़रूर आने वाला है, यानी कि लाइट आने वाला है। सो अगर ऐसा भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए चल रहा है ना, कि आपका किसी पर्सन के साथ रिश्ता पक्का हुआ था एंड आप बहुत सीरियस थे, कि आपने सोच लिया था कि आप इसी पर्सन को अपना बनाओगे एंड शादी करोगे, बट हो सकता है शादी टूट गई हो किसी रीज़न से, तो उस पर्सन का भी कमबैक करने के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे, और उनके साथ आपकी फिर से शादी फिक्स होकर शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो फ्यूचर में आप दोनों का यू नो जीवन साथी वाला बंधन बनने वाला है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, और बहुत जल्द कमिंग फ्यूचर में आप दोनों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है वो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर में ना, आप दोनों अपना ड्रीम क्रिएट करोगे साथ में। जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों साथ में कोई बिजनेस ओपन करो, साथ में खुद का यू नो ड्रीम हाउस बनाओ, साथ में बिल्ड करो, साथ में ग्रो करो, ओके, एंड साथ में अपने अपने ड्रीम्स पूरे करो, जैसे कि पेट्स रखना हो गया, वर्ल्ड टूर करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रियलिटी में करने वाले हो एक दूसरे के साथ, बिलीव मी गाइस, ओके, सच में आप दोनों करने वाले हो, ठीक है। और जो भी ड्रीम्स है आप दोनों साथ में मिलकर करने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हो, जहाँ पर वो आपके ड्रीम को पूरा करना चाहेंगे और आप उनके ड्रीम्स को पूरा करना चाहोगे। तो मुझे लग रहा है कि एक अटैचमेंट, एक कंपेनियनशिप, एक लव फॉर लाइफ टाइम आप दोनों का जरूर होने वाला है। यहाँ पे है जर्नी नंबर टू। यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। सो देखिए कुछ कन्फ्यूजन्स प्रेजेंट मोमेंट में आप दोनों के बीच में जरूर है। देखिए अंदर से आपको भी पता है, अपनी इमोशंस उनको भी पता है, बट बाहर के फैक्टर्स में हो सकते हैं कुछ
कुछ तरीके के डिफरेंसेस या कुछ तरीके की कन्फ्यूजन्स हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के 50% लोग हो सकते हैं कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रही है, या यू नो कन्फ्यूजन है आपके पर्सन श्योरिटी के साथ, आपको कभी कुछ कह नहीं पाते हैं, कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर आप दोनों का बहुत बेहतर है। फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों एक स्टेप अहेड आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, न्यू जर्नी आप दोनों की शुरू होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाला है आपके रिश्ते का, ठीक है। एंड आप दोनों की शादी भी हो सकती है बहुत मुझे नज़र आ रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड अबंडेंस उस कनेक्शन में आएगा जहाँ पे खुशियाँ रहेगी, प्यार रहेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, एक दूसरे का साथ रहेगा, मतलब परफेक्ट कनेक्शन में ये बदलेगा। ये जो रिश्ता है आपका अभी फिलहाल कैसा भी हो सकता है, अच्छा हो कुछ लोगों के लिए, 40% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपका कनेक्शन अभी अच्छा भी चल रहा है, फिर भी आप देखना चाहते हो कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा है तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़िए, खुशी के साथ आगे बढ़िए, ज़रूर आप का प्यार सक्सेसफुल होगा। एंड जिनका प्रॉब्लम चल रहा है उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि ज़रूर आपका सक्सेसफुल होगा। एंड फ्यूचर में आप दोनों का एक दूसरे का साथ जो है वो पूरे तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड रहेगा, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता या जिसे कोई निकल के जा नहीं सकता, ठीक है। तो एक फीलिंग सोलमेट वाली या फिर एक यू नो जीवन साथी वाली फीलिंग आपको इस पर्सन से मिलेगी और उनको भी मिलेगी आपसे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर है की, ठीक है। सो फ्यूचर में आप दोनों को ऐसा रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों एक दूसरे से जितना प्यार कर सकते हो उतना दुनिया में कोई भी किसी और को नहीं कर सकता या एक दूसरे को कर सकता है, ठीक है। तो मतलब आप दोनों इतने ट्रू लवर हो गए ना एक दूसरे के लिए, मतलब इतना प्यार करोगे एक दूसरे को इन द कमिंग फ्यूचर कि आप दोनों मतलब रियलाइज ही नहीं कर पाओगे और ऐसा सोचोगे कि ये रियलिटी है या फिर सपना, ठीक है। जितना वो आपको पैम्पर करेंगे आप भी करेंगे, ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो म्यूज़िक आप दोनों के कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, फ्यूचर में भी हो सकता है म्यूज़िक से रिलेटेड भी आप दोनों कुछ स्टार्ट करो प्रोफेशन वाइज, या फिर म्यूज़िक से आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है हील होगा फ्यूचर में, या म्यूज़िक आप दोनों के रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी ना किसी तरीके से और आगे भी रखेगा। यहाँ पे है यूनिकॉर्न, सो ये अगेन रेनबो एंड कलर्स की एनर्जी मुझे दे रहा है। तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड हर एक फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे फैक्टर्स, वो यहाँ पर आएंगे आपके कनेक्शन में। और यहाँ पे है एंजल्स, तो एंजल्स का लव आपके रिश्ते में डेफिनेटली होगा एंड वो हमेशा यू नो चाहेंगे कि आपको बस खुशियाँ मिले और आपके पर्सन को भी खुशियाँ मिले, ठीक है, इस रिश्ते से। तो चलिए और भी गाइडेंस हम देखते हैं। एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए कोई सॉन्ग कंपोज करें या कोई सॉन्ग आपके लिए गाएं, स्पेशली आपके लिए, ठीक है। प्रपोजल की वाइब्स बहुत आ रही है कुछ लोगों की, तो अगर यहाँ पे क्रश फ्रेंड वगैरह है तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप इस बॉन्ड को इंजॉय कीजिए, ठीक है। अगर आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है या इमोशन है या फिर जस्ट आप लाइक करते हो इस पर्सन को, जितनी भी फीलिंग्स हैं आपको इस पर्सन के प्रति, उस चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल रहो एंड उस चीज़ को लेकर आप इंजॉय करो, अच्छा महसूस करो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। वाइब्रेशंस को बढ़ाओ उस फीलिंग की, उस एनर्जी की, ठीक है। टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी में ध्यान मत दो, जितना आप अच्छा महसूस कर सकते हो अपने रिश्ते को लेकर या इस इंसान को लेकर उतना करो, ठीक है। फ्री स्पिरिटेड की तरह रहो। इनकेस अगर बहुत सफ़र कर रहे हो, सेपरेशन है या फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तब भी आप ट्राई करो कि आप यू नो एकदम फ्री स्पिरिटेड फील कर रहे हो एंड सिर्फ अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हो, अच्छी अच्छी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ताकि उसकी वाइब्रेशंस हाई हो सके। तो जैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगेगी, मुझे दिख रहा है आपका कनेक्शन पूरी तरीके से सैक्रेट हो जाएगा, जहाँ पर किसी का इंटेलिजेंस, किसी की इंटरफेरेंस काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो एक प्रोटेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो अपने कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, पॉजिटिविटी में ध्यान रखकर, अच्छे फीलिंग्स पे कंसंट्रेट करके, उसकी वाइब्रेशंस बढ़ाकर एंड फ्री स्पिरिटेड रहकर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इन्जॉय करिए इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन के लिए टेंशन में मत आइए कि पता नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपका, तो ऐसा मत सोचिए कि कौन से रिश्ते में आ गए जहाँ पे आपको तड़पना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है एंड यू नो बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए था, ये सब मत सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए। ज़रूर मुझे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो
मुझे लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो, ठीक है? तो आप ट्राई करो कि अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओ, जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही है प्रेजेंट में, ठीक है? जो चीज़ नहीं मिल पा रही है, नहीं हो पा रही है आपके अकॉर्डिंगली, तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट। मैंने अपने सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताए हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ज़रूर मेरे सेकंड चैनल में विजिट करो, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा सर्च करो, आपको मिल जाएगा, एंड उसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे, कुछ आप दिल से चाहोगे, इंटेंशंस आपके क्लियर रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ रियल लाइफ में मिल जाएगी। चाहे वो थोड़ा हो सकता है टाइम ले ले, तुरंत ना मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। सो यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर गाइस। और आप अगर इस पर्सन को चाहते हो तो इस पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर ज़रूर क्रिएट कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है? मतलब अच्छे तरीके से, मतलब जहाँ पर कोई स्ट्रगल ना हो, एकदम फ्लो में स्मूथली कनेक्शन बढ़े। और मुझे नहीं दिख रहा है कि एज सच बहुत स्ट्रगल्स होंगे। हाँ, एक फेज आ सकता है जहाँ पर आप दोनों फ्यूचर में हो सकते हैं कि एकदम अलग हो जाओ, आप अपने करियर में फोकस करो, वो अपने करियर के लिए कहीं और चले जाए, आप चले जाओ, और आप दोनों साथ रहो, एक दूसरे को फील करते रहो, बट अपने करियर अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाओ कि आप दोनों को टाइम देने का मौका ना मिले, लेकिन फिर आप दोनों की यूनियन होगी। तो ये 20% लोगों के लिए हो सकता है ऐसा, जहाँ पर सेपरेशन नहीं हो रहा है बट आप दोनों का फोकस कहीं और है, तो आप दोनों प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे लव लाइफ को, दोनों ही सेम ही टाइम पर, ये चीज़ दिख रहा है। ओके, सो जो भी है, फ्यूचर आप दोनों का लाइफ टाइम का, जीवन भर का ही मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और न्यू बिगनिंग तो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं अच्छे के लिए, और सारे ड्रीम्स आप इन्हीं के साथ पूरे करेंगे, एंड वो भी सारे ड्रीम्स आपके साथ पूरे करेंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल कनेक्शन आपका साबित होगा इन द कमिंग फ्यूचर, जहाँ पे पहले पहले हो सकते फैमिलीज भी खुश ना रहे, लेकिन बाद में फैमिलीज भी खुश होगी, ठीक है? और सबकी एक्सेप्टेंस, सबका परमिशन, सबकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के कनेक्शन में एंड आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर रहेगी। तो आपको इस कनेक्शन में फेथ रखना है, मैनिफेस्ट करना है, और अगर सही में चाहते हो तो आपको अपने इंटेंशंस को भी क्लियर करना पड़ेगा कि यस, आप इसी पर्सन के साथ अपना ज़िंदगी देख रहे हो, चाह रहे हो, बिकॉज आप अपने ड्रीम्स को पूरा जैसे करोगे, वैसे अगर ये भी आपके ड्रीम में आता है तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, चू।